हेलो दोस्तों, नमस्ते। हमारी रसोई में आपका स्वागत है। दोस्तों, सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में बथुआ तो जरूर बनना चाहिए। आप किसी भी रूप में बथुए का इस्तेमाल करिए, क्योंकि बथुए की तासीर गर्म मानी जाती है। क्योंकि बथुआ गर्म होता है, इसलिए हमें बथुए का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए सर्दियों में। दोस्तों, ये थोड़ा सा बथुआ है, इसे हम पानी में 2-3 बार अच्छे से धो लेंगे, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो आज हम बनाएंगे बथुए का रायता। तो चलिए पहले हम इसे धो लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने बथुआ धो लिया है 2-3 बार अच्छे से पानी में। दोस्तों, आप बथुआ जब छाट रहे हो तो आप सिर्फ पत्ते ना, अगर उसकी डंडियां बथुए की नरम डंडी है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये इनकी नरम डंडी है तो मैंने ऐसे तोड़ लिया है। आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर ये डंडी भी साथ में तोड़ लें, क्योंकि ये नरम होती है। मोटी जो टाइट डंडी हो उसे उसका इस्तेमाल ना करें आप, लेकिन नरम डंडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। ये देखिए दोस्तों, मैंने पतीले में पानी रख दिया है। ये लगभग 2-3 गिलास पानी है। जब ये पानी में अच्छे से उबाल आ जाएगा तब हम इसमें बथुआ डाल देंगे। ये देखिए दोस्तों, पानी उबलने लग गया है। अब इसमें हम सारा बथुआ डाल देते हैं। दोस्तों, बथुआ बहुत जल्दी उबल जाता है। कुकर में आपको उबालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप गर्म करके उबलते पानी में डाल दीजिए। 2-3 मिनट बाद देखिए बथुआ उबल जाएगा हमारा। 2-3 मिनट के लिए ढक देते हैं हम। 2-3 मिनट हो गए, बथुआ हमारा हो गया है। अब गैस को हम बंद कर देते हैं। बथुए को हम छान कर पानी निकाल लेते हैं पानी में से। आप छन्नी की सहायता से छान लीजिए। ये देखिए, बथुए को मैंने छान लिया है और ये देखिए बथुआ अच्छे से हो गया। इसकी डंडियाँ भी एकदम नरम हो गई है। अब इसे हम ठंडा होने देते हैं, किसी प्लेट में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। जब तक बथुआ हमारा ठंडा हो रहा है, थोड़ी सी हम बूंदी भिगो देते हैं गर्म पानी में। बथुआ हमारा ठंडा हो गया है, इसे हम जार में डाल लेते हैं। इसमें हम 5-6 हरी मिर्च डाल देते हैं, 10-12 लहसुन की कलियां। आपको पसंद नहीं है लहसुन तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। थोड़ा से अदरक, जिसे मैंने काट रखा है, इसे इन सब चीज़ों को डालकर हम ग्राइंड कर लेते हैं इसे। ये देखिए, बथुए को मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब इसे एक कटोरी में निकाल लेते हैं। एक बर्तन है, इसमें हमने दही ले ली है। दही को हम अच्छे से फेंट लेते हैं। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। इसमें हम 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। आपके पास काला नमक है तो आप ज़रूर डालिए, इससे रायते का टेस्ट बदल जाता है। बहुत स्वाद लगता है काला नमक रायते में। अब इसे हम मिला लेते हैं। दोस्तों, आपके पास भुना हुआ जीरा नहीं है तो आप फटाफट तवा गरम करिए और उसके ऊपर 1 चम्मच जीरा डाल दीजिए। और जब जीरा भुनने लग जाता है तो जीरे में खुशबू आने लगती है, तो समझिए कि जीरा हमारा भुन गया है। फटाफट आप जो जिस पे हम रोटी बनाते हैं उस चकले बेलन से आप जीरा को पीस सकते हैं और जीरे का पाउडर बनके तैयार हो जाएगा। हमने सभी मसाले अच्छे से मिला लिए हैं। अब इसमें हम जो हमने बथुआ पीसा था उसे डाल देते मिला लेते हैं। ये देखिए, अच्छे से मिला लिया मैंने बथुआ को। दही हमारी अभी गाढ़ी लग रही है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। इसी जार का पानी हम इसमें दही में डालेंगे और इसे मिला लेंगे। जो हमने बूंदी भिगोई थी वो इसमें डाल देते हैं और इसे मिला लेते हैं। सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिला लिया है। रायते में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और जो काले नमक की खुशबू है वो अलग से ही आ रही है।
चलिए अब रायते को हम और थोड़ा सा टेस्टी बना देते हैं। इस पे हम एक छोटा सा तड़का लगाते हैं। तड़का लगाने के लिए मैंने पैन रख दिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल देते हैं। तेल हमारा गरम हो गया है। अब गैस को हम बंद कर देते हैं। इसमें हम दो चुटकी हींग डाल देते हैं। इसी के साथ 1 चम्मच सरसों के दाने और 2 साबुत लाल मिर्च, थोड़े से लाल मिर्च पाउडर। अब ये तड़का हम इस पे रायते को डालकर इसको ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए। ढकने से खुशबू बाहर नहीं जाएगी। ये देखिए टेस्टी रायता बनके तैयार है बथुए का। अब इसमें हम थोड़ी सी हरा धनिया डाल देते हैं। ये रायता सर्व करने के लिए तैयार है। आप इसे किसी भी खाने के साथ सर्व करिए। ये रायता बहुत टेस्टी बना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।